महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो कई जिम्मेवारियां, कई अलग अलग विभागों की जिम्मेवारियां तेजस्वी यादव के पास थी, और ऐसे में तेजस्वी चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और बिहार का विकास पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया देखे। ऐसे में राजधानी पटना के मरीन ड्राइव को लेकर भी तेजस्वी यादव की रणनीति है। वो सूबा के पर्यटन मंत्री भी हैं, लिहाजा पर्यटन के दृष्टि से पर्यटकों के लिए भी बिहार में लगातार किस तरीके से विकास हो इसका ख्याल भी रख रहे हैं और इसको लेकर लगातार रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज़्यादा वो गंभीर है पटना के मरीन ड्राइव को इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करने को लेकर। देखिए, हमने पहले भी कई तस्वीरें दिखाई है जिन तस्वीरों में आपने तेजस्वी यादव को अधिकारियों के साथ बैठकें करते देखा होगा और तमाम अधिकारियों से तेजस्वी यादव एक एक कर तमाम जानकारियां लेते हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी देते हैं और साफ तौर पर सभी मीटिंग्स में, चाहे वो पहली हो या फिर आज की मीटिंग क्यों ना हो, वो लगातार अधिकारियों को इस बात को लेकर साफ साफ कहते हैं कि मरीन ड्राइव का डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए और पटना का मरीन ड्राइव जो है वो बेहद खूबसूरत हो, वहाँ पर चाहे वाटर पार्क बनाए या फिर म्यूजियम हो, तमाम तरीके की तैयारियां जो है सरकार कर रही है बनाने की। इसको लेकर आज तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बैठक किया है। 18 फरवरी को तेजस्वी यादव ने इसी साल में बड़ी बैठक की थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बैठक की है राजधानी पटना में और ये बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, तेजस्वी यादव ने पटना में बड़ी मीटिंग की है और ये मीटिंग सीधे पटना मरीन ड्राइव से जुड़ी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठकर तेजस्वी यादव ने गंगा पथ, जेपी गंगा पथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने हेतु सभी संबंधित विभागों एवं नॉलेज पार्टनर्स के साथ जो है वो महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में कार्य योजना, टाइमलाइन और कार्यान्वयन पर जो है वो विस्तृत चर्चा हुई है। लाजमी भी है, जब पटना का मरीन ड्राइव डेवलप होगा, जब पटना के मरीन ड्राइव की खूबसूरती बढ़ेगी तो पर्यटकों की दृष्टि से आप देखें तो बिहार में विदेशों से भी पर्यटक आएंगे और लाजमी भी है, बिहार में कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं, कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पर्यटकों की भीड़ हमेशा से होती है। लेकिन राजधानी पटना जो है वो और डेवलप हो और पटना के मरीन ड्राइव को डेवलप किया जाए, इसको लेकर वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहाँ पर जो है गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम बनाने की रणनीति भी तेजस्वी यादव की है। मॉल, कल्चरल और रिक्रिएशनल सेंटर के अलावे म्यूजियम, पार्किंग, पार्क, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण जो है वो सरकार कराने जा रही है और इसी को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ जो है वो बैठकें तेजस्वी यादव करते हैं। जाहिर सी बात है, जब पटना के मरीन ड्राइव पर, गंगा रिवर फ्रंट पर स्टेडियम, मॉल, कल्चरल रिक्रिएशनल सेंटर, म्यूजियम, पार्किंग, पार्क, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण हो जाएगा तो लाजमी भी है कि खूबसूरती और बढ़ेगी, सुंदरता और बढ़ेगा तो बिहार में पर्यटकों का भी आना जाना होगा और इससे कहीं ना कहीं बिहार के विकास की रफ्तार और बढ़ेगी। फिलहाल आप वीडियो बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।